अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम लाइन टाइप्स में कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है और उस पर कैसे काम किया जाता है। आज के लाइन में हम देखेंगे आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट कंस्ट्रक्शन लाइन इन डिटेल। कंस्ट्रक्शन लाइन को डिटेल से देखेंगे। पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन का मकसद क्या होता है। पर्पज ऑफ फॉलोइंग कमांड इन कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन में फॉलोइंग जो कमांड है इन पे इनका क्या फंक्शन होता है, जिसमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगल और ऑफसेट का क्या फंक्शन होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन लाइन आपको इस बार में यहाँ पे ड्रॉ के अंदर यहाँ पे ये नजर आ रही होगी, ये होती है कंस्ट्रक्शन लाइन, जो कि दोनों तरफ से जिसमें यहाँ पे एरो का निशान बना होता है उसको कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। और ड्रॉ मेन्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लाइन नजर आएगी यहाँ पे। इसलिए कंस्ट्रक्शन लाइन का जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है एक्सेल कमांड होती है कंस्ट्रक्शन लाइन की। आप एक्सेल अप्लाई करें, XL एंटर करें। एक्सेल एंटर तो कंस्ट्रक्शन लाइन आ गया। कह रहा है स्पेसिफाई अ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप दें तो ये देखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन है। कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। कंस्ट्रक्शन लाइन का एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता। इसका फंक्शन क्या होता है ये हम लेसन में देखेंगे आगे कि इसका क्या फंक्शन होता है कंस्ट्रक्शन लाइन का। फिलहाल हम कंस्ट्रक्शन लाइन को डिटेल से देखते हैं। ओके, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लाइन को आप एक्सेल के अलावा आप यहाँ पे ड्रॉ में क्लिक करें और इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन अप्लाई कर सकते हैं। F8 प्रेस करें ताकि स्ट्रेट लाइन ना लगे। स्ट्रेट लाइन में क्योंकि एक वर्टिकल लाइन लगेगी और हॉरिजेंटल लाइन लगेगी, उसके अलावा कोई लाइन नहीं लगेगी। तो मैं F8 प्रेस करता हूँ ताकि मैं डिटेल से आपको समझा सकूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन होती है देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लाइन आप अगर आपने लेनी है कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए आप यहाँ पे ड्रॉ में जाके तो यहाँ से भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन ले सकते हैं। देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई। ओके, अब इस कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ और काम भी होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो आप देखें जरा। तो मैं यहाँ पे एक्सेल करता हूँ, XL एंटर करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। तो यहाँ पे देखें हॉरिजेंटल HOR है, वर्टिकल के लिए V आ रहा है, एंगल के लिए ये है, बाइसेक्ट के लिए ये और ऑफसेट के लिए है, देख सकते हैं। तो मैं हॉरिजेंटल के लिए H एंटर करता हूँ तो अब देखें ये हॉरिजेंटल लाइन आ गई कंस्ट्रक्शन लाइन। पहले सेंटर पॉइंट से आ रही थी, अब देखें ये यहाँ से आ रही है। स्पेस प्रेस करके मैंने कमांड को ख़त्म कर लिया। फिर मैं एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ, एक्सेल करता हूँ एंटर करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन, इसको एक्स लाइन भी कहा जाता है। वर्टिकल के लिए V एन प्रेस करूंगा या फिर मैं V के ऊपर क्लिक करता हूँ या फिर मैं V प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड से V का बटन प्रेस करता हूँ। तो देखिए वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई है, देख सकते हैं। वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई। ओके, इसके बाद मैं दोबारा एक्सेल करता हूँ, XL एंटर करता हूँ। तो एंगल, किसी भी एंगल में आप अगर कंस्ट्रक्शन लाइन देना चाहते हो तो एंगल भी आप दे सकते हैं एंगल में। तो एंगल के लिए मैं ये एंटर करूँगा। अब मुझसे कह रहा है एंटर एंगल, एंगल कितना होना चाहिए। मैं 45 एंगल पे इसको कंस्ट्रक्शन लाइन अप्लाई करता हूँ, 45 एंटर करता हूँ। अब ये देख सकते हैं आपके 45 के एंगल में कंस्ट्रक्शन लाइन अप्लाई हो रही है, देख सकते हैं आप। ओके, एंगल के बाद आपके पास आता है जी, एक्सेल एंटर करता हूँ। बाइसेक्ट के लिए देखते हैं क्या होता है, बी एंटर करता हूँ मैं। स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, तो एंगल का मैं देता हूँ जी बाइसेक्ट के लिए, स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट देता हूँ, ये वाला पॉइंट देता हूँ। ये देखिए ये वर्टेक्स है, इस पॉइंट में आ जाए, फिर इस पॉइंट में आ जाए, फिर इस पॉइंट में आ जाए, फिर इस पॉइंट में आ जाए, देख सकते हैं। ये देखिए वर्टेक्स आ गया वापस, सबको डिलीट करता हूँ। ओके, दोबारा आप देता हूँ इसको XL एंटर। ऑफसेट, अब ऑफसेट देने के लिए आप क्या करें, पहले आप कोई कंस्ट्रक्शन लाइन ले, मैं ऑफसेट क्लिक करता हूँ। लेकिन देखें थ्रो थ्रो करने के लिए देखें मुझे कोई लाइन तो होनी चाहिए मेरे पास,
तो लाइन नहीं है, तो उसके लिए मैं एक्सेल करूँगा, एक्सेल एंटर। मैं फॉर एग्जांपल वर्टिकल लेता हूँ, वी एंटर, एक वर्टिकल मैंने ले ली। अब मैं दोबारा एक्सेल करता हूँ, मैं चाहता हूँ एक स्पेस, एक बिल्कुल स्पेसिफाई एक पॉइंट पे आए या 100% डिस्टेंस पे आए, तो उसके लिए ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ या वो एंटर करता हूँ। ऑफसेट में इसको देता हूँ 5 या 3 2 फीट का ऑफसेट देता हूँ, मैं चाहता हूँ 2 फीट के फासले पे ये इंसर्ट होती जाए। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें 2 फीट के फासले पे जा रही है। क्लिक करूँगा यहाँ पे, सिलेक्ट किया, बाहर क्लिक करता हूँ, फिर भी देखें 2 फीट के फासले पे जा रही है। देखिए ज़रा 2 फीट के फासले पे जा रही है। तो ये फंक्शन है जी ऑफसेट का और कंस्ट्रक्शन लाइन का, आपको फंक्शन समझ आ गया होगा कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है। एक्सेल एंटर। अब यहाँ पे जी ऑफसेट तक कंप्लीट हो गया। तो ये थी जी कंस्ट्रक्शन लाइन, और कंस्ट्रक्शन लाइन का फंक्शन बेसिकली होता क्या है, सही फंक्शन इसका क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप कंस्ट्रक्शन लाइन देते हैं, एक्सेल एंटर करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो किसी भी सेंटर पॉइंट जहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसी पॉइंट से कंस्ट्रक्शन लाइन अप्लाई होगी, देखें। और अदरवाइज ये आप सारे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, बाइसेक्ट है, ऑफसेट है, ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, और एंगल है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और कुछ नए कुमार के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।